आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें एक बहुत ही फेमस लाइन थी, विंटर इज कमिंग। लेकिन इस लाइन का जो इम्पैक्ट है वो यूरोप के लोग अब एक्चुअल में फील कर रहे हैं। इट्स एनर्जी क्राइसिस इज गेटिंग वर्स बाय द डे एज यूरोप बैटल्स एन अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी क्राइसिस। यूरोप में जो लोग रहते हैं जिनको हम बहुत ही अमीर मानते हैं, वो लोग आज की डेट में जब इतनी ज्यादा ठंड है वो गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहा रहे हैं। इनके यहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही जलाई जा रही हैं। घरों के अंदर लोग बिना हीटिंग के रह रहे हैं और महंगाई आसमान छू रही है। जर्मनी, जहाँ पे लोग स्विमिंग पूल में भी ल्यूक वार्म वाटर यूज करते थे, वहाँ पे स्विमिंग पूल के पानी को गर्म करने पर भी बैन लगा दिया गया। वहीं फ्रांस की बात करें तो रात में शॉप्स के बाहर जो बिलबोर्ड्स लगे रहते हैं फ्रांस के अंदर, उनकी लाइट्स को भी बंद करने को बोल दिया गया। अमेरिका के अंदर लोगों की नौकरियां बहुत ही तेजी से जा रही हैं। फेसबुक, जो इतना बड़ा नाम है, उसने एक झटके में 11,000 लोगों को निकाल दिया। 18 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किया फेसबुक ने। फेसबुक ने अपनी टोटल स्ट्रेंथ में से 13% एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है, और ये नॉर्मल चीज नहीं है। ये हिमांशु का लिंक्डइन पोस्ट है। इन्होंने काफी पैसा लगा के कनाडा रिलोकेट किया और मेटा यानी कि फेसबुक को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही इनको निकाल दिया गया। नीलिमा के साथ भी यही हुआ। इनकी पहले की जो जॉब थी वो भी गई, और जैसे इन्होंने मेटा ज्वाइन किया 2 दिन के अंदर इनको भी निकाल दिया गया। ये जो फेसबुक का केस है ये बाकी कंपनियों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलग केस है, तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ट्विटर की बात करें तो ट्विटर ने 3700 लोगों को निकाल दिया है। अमेजोन ने 10,000 लोगों को निकाल दिया है। जेपी मॉर्गन चेज ने 1,000 लोगों को, HP ने 6,000, और ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। और इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने 2022 सिर्फ एक साल के अंदर में 17,600 लोगों को फायर कर दिया, जिसमें से बायजूस, कार्स 24, ओला, MPL, उड़ान, अन अकेडमी, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। और ये फायरिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा है। विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, ये जो बड़ी कंपनी है, इन्होंने फायर नहीं किया लेकिन आगे की हायरिंग रोक दी है, और जो ऑफर लेटर दिए थे उनको भी रोक दिया है। तो देखिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें हो क्यों नहीं है, और इसको समझने के लिए पहले हमको थोड़े से बेसिक डिस्कस करने होंगे, उसके बाद आगे की जो स्टोरी है बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगी। Facebook founder Mark Zuckerberg is laying off 11,000 workers. Thousands of jobs lost. Elon Musk, who now owns and of course runs Twitter. Inside Facebook's New York City headquarters, fired workers are expressing heartbreak. That's about 13% of its workforce. मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा मॉल है, उसके हर फ्लोर पे अलग-अलग चीजें अलग-अलग प्राइस पे बिक रही हैं। एक फ्लोर पे कपड़े बिक रहे हैं, एक फ्लोर पे हेयर ड्रेसर बाल काट के पैसे ले रहा है, और वहीं एक फ्लोर पे कंप्यूटर बेचे जा रहे हैं। अब अगर एक दिन में इन दुकानों में जितनी भी चीजें बिक रही हैं, अगर उसके प्राइस को ऐड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो इस मॉल की एक दिन की GDP होगी। ऐसे ही एक देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो वो उस देश की GDP होगी। अगर मैं US जाऊं और वहां जाके $50 की एक कॉफी खरीद के पी लूं, तो वो $50 जो होंगे वो US की GDP में ऐड हो जाएंगे। वैसे GDP कई सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे की जो कहानी है वो समझने में आसानी हो। अब देखिए, जब भी लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो GDP ऊपर जाता है, और जब कम सामान खरीदते हैं तो GDP नीचे जाता है। और अगर 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ तक GDP बैक टू बैक नीचे जाती है तो उसे कहते हैं रिसेशन। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, हालांकि इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने बाहर निकल के कम चीजें खरीदी थी, तो इंडिया का जो GDP था वो 2 क्वार्टर 1 और Q2 में नेगेटिव चला गया था। अब ये जो पर्टिकुलर टाइम था, टेक्निकली आप इसको रिसेशन कह सकते हो, लेकिन इसको इसलिए इतना नहीं माना गया क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि कोविड खत्म होगा तो आगे चल के कंट्रोल में आएगा, और वैसे भी जो इसके बाद वाले क्वार्टर थे उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो गई थी। अब GDP बैक टू बैक नेगेटिव में चला जाए 2 क्वार्टर तक तो उसको रिसेशन कहते हैं, और जितनी ग्रोथ होनी चाहिए अगर वो उतनी नहीं हो तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। जैसे 7% ग्रोथ की जगह 6% ग्रोथ ही रह जाए तो उसको स्लो डाउन कहते हैं, और अगर 3 साल से ज्यादा टाइम तक रिसेशन रहता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। अभी तक डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो सिर्फ एक बार आई है 1930 में। अगर फिर से मॉल का एग्जांपल लें तो मान लीजिए बहुत सारे लोग मॉल में सामान खरीदने आ रहे हैं, तो दुकानों में भीड़ ज्यादा होगी, दुकानदार पैसा ज्यादा कमाएंगे, काम ज्यादा होगा और स्टाफ ज्यादा रखना होगा। और अगर लोग कम सामान खरीदेंगे तो भीड़ कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा, काम भी कम होगा और एम्प्लॉयज भी कम चाहिए होंगे, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयज की जॉब भी जाती है। और जब दुकानों में सामान कम बिकेगा तो कंपनी भी कम सामान बनाएगी और कंपनी को भी कम प्रॉफिट होगा और कंपनी में भी फायरिंग होगी। इसलिए मार्केट में जब लोग कम सामान खरीदने लगते हैं तो रिसेशन आता है, और रिसेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आता है। देखिए, GDP हो गया, रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे। देखिए, जब डिमांड ज्यादा होती है, सामान कम होता है, तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमतें गिरती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे दवाइयों की जरूरत ज्यादा लोगों को थी तो दवाइयों के दाम बढ़ गए थे,
और होटल्स वगैरह जो थे उनकी जरूरतें कम थी, तो होटल्स के दाम गिर गए थे। अब आप कहोगे कि अगर ये इन्फ्लेशन वगैरह सब अपने आप हो रहा है लोगों के खरीदने और बेचने से, तो गवर्नमेंट को लोग क्यों भला बुरा कह रहे हैं? क्या गवर्नमेंट महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर भी सकती है? तो देखिए, हर गवर्नमेंट के पास टूल्स होते हैं जिनका यूज करके वो मार्केट कंट्रोल करती है। जिस तरीके से ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है कि कार एक सही स्पीड से चले, जब स्पीड धीरे हो तो एक्सीलेटर दबा के स्पीड तेज करे, और अगर स्पीड तेज हो तो ब्रेक लगा के उसको धीरे करें। ऐसे ही इकोनॉमी को भी एक डिसेंट स्पीड से चलाने के लिए देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक ड्राइवर की तरह एक्ट करता है। जब ग्रोथ रुक गई हो देश की या इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया हो, तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है देश में। अभी जो मनी सप्लाई है इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे करेंसी प्रिंट करी जाती है या फिर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। जब RBI बाकी बैंकों के लिए इंटरेस्ट कम कर देता है तो मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है। अब वो कैसे आता है ये आप एक छोटी सी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है कोविड के टाइम से। जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगाया गया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि लोग खाएंगे पिएंगे क्या, पैसा कहां से आएगा, क्योंकि कंपनीज बंद हो रही थी, लोगों की जॉब्स जा रही थी, इकोनॉमी पूरी तरीके से बंद थी। इस चीज से निपटने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग रिलीफ पैकेज लेके आई, बिजनेस को सपोर्ट किया, लोन की इंस्टॉलमेंट्स के लिए टाइम एक्सटेंड किया। वहीं अमेरिका की बात करें तो वहां की गवर्नमेंट ने जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके अकाउंट में पैसे डाले, टैक्स रिलीफ दिया। ऐसे करके अलग अलग मेथड दुनिया भर की गवर्नमेंट ने अपनाए। इन शॉर्ट, पैसा इंजेक्ट किया गया ताकि जो इकोनॉमी एकदम से नीचे आ गई थी वो नॉर्मल हो और GDP सुधरे। जब ऐसा किया गया तो लोगों के पास पैसा आया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खर्च फिर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ लोगों ने पैसा खर्च करना शुरू किया। अब सप्लाई तो उतनी ही थी लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, और जब ऐसा होता है तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं था गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि दुनिया भर की गवर्नमेंट को पता था कि महंगाई बढ़ेगी और आगे चल के उसको कंट्रोल करा जा सकता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मई 2020 में सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट 4% ही रखा था और 2 साल तक इसमें कोई चेंज नहीं किए थे। लेकिन जब ये महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो मई 2022 में रेपो रेट 4.4% किया गया, फिर जून में 4.9% किया गया, अगस्त में 5.4% किया गया, और सितंबर में 5.9% किया गया। अभी की बात करें तो 6.25% हो गया है। अब देखिए, अगर आपको मार्केट का आइडिया लेना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो रेपो रेट को क्लोजली ऑब्जर्व करना जरूरी है कि गवर्नमेंट किस तरह से रेपो रेट को बढ़ा रही है। इससे आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले मार्केट का आइडिया लगता है। जैसे कोविड जैसी सिचुएशन हो या फिर रिसेशन हो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हम अपने लिए कुछ सेफ्टी नेट्स बना सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस लेना। इंडिया में लोग इंश्योरेंस कम लेते हैं, मेनली बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता उनके लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। सिर्फ 17% मिलेनियल्स के पास ही टर्म प्लान्स हैं और 55% को तो पता तक नहीं है कि ये होता क्या है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 14% से ज्यादा बढ़ रहा है, FD पे मिलने वाले रेट से डबल। तो एक हॉस्पिटल की विजिट आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। अगर आपको भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंफ्यूजन या डाउट है तो डू चेक आउट डिट्टो। डिट्टो एक न्यू एज प्लेटफॉर्म है बैक्ड बाय ज़ीरोधा। डिट्टो से आप फ्री में कंसल्ट कर सकते हो पर्सनलाइज्ड एडवाइस लेने के लिए। इसके साथ ही डिट्टो की वेबसाइट पे अवेलेबल फ्री टूल से भी आप बहुत ही आसानी से अलग अलग पॉलिसीज कंपेयर कर सकते हो। ये कंपैरिजन आप इंपॉर्टेंट चीजें जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वेटिंग फॉर पीरियड्स देख के आप कर पाओगे। ये बिल्कुल स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई आपको बार बार कॉल नहीं करेगा, और इनकी एक बहुत खास बात यह है कि ये आपको इंश्योरेंस क्लेम दिलाने में भी पूरी मदद करते हैं। चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट स्ट्रगल तो कर ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई। कोविड से निपटने के लिए जो भी प्लान्स बनाए थे गवर्नमेंट ने वो सब धरे के धरे रह गए, और पूरी दुनिया जो कोविड से उभरने में लगी थी वो एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में आके खड़ी हो गई। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर बैक टू बैक सैंक्शन लगाए। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जब एक देश के ऊपर सैंक्शन लगता है तो वो देश अकेला सफर नहीं करता है, इससे बाकी देशों को भी नुकसान होता है। लेकिन इसके बाद भी सैंक्शन रुके नहीं, रशियन बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया गया, रशियन बैंकों के जो एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया। अब देखिए, यूक्रेन और रशिया ये दोनों ही कंट्रीज वर्ल्ड के सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टर्स में से हैं, इसलिए जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई दुनिया भर में जो फूड प्राइसेस थे उनको झटका लगा। इसके साथ साथ रशिया ऑयल एंड गैस का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर है रशिया, और दुनिया का लगभग 12% क्रूड ऑयल रशिया में ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन US, कनाडा, यूरोप इन सब ने मिलकर रशिया को सबक सिखाने के लिए रशिया के ऑयल एंड गैसेस इंपोर्ट पे भी बैन लगा दिया कि अगर कोई देश रशिया से ऑयल और गैस खरीदेगा तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। हालांकि इंडिया अभी भी इंपोर्ट करता है, वो एक अलग डिस्कशन है। तो जब ये बैन लगाया गया तो कंट्रीज को रशिया से छोड़ के बाकी देशों से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ा। अब देखिए, इससे हुआ क्या कि डिमांड तो वही थी ऑयल एंड गैस की, लेकिन जो देश सप्लाई कर रहे थे वो कम हो गए। इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़ गए। मार्च के पहले हफ्ते में ऑयल के प्राइसेस 25% तक बढ़ गए थे, और जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं
तो हर एक चीज पर फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे सैंक्शंस लग रहे थे, ये समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि यूरोप रशिया को परेशान कर रहा है या खुद को दिक्कत में डाल रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से यूरोप खुद मुसीबतों में फंस गया। यूक्रेन रशिया वॉर यूरोप के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन के सामने आया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो यूरोप की लाइफलाइन है। विंटर्स के टाइम पे यूरोप में इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि बिना गैस के रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए। नेचुरल गैस ही है जो यूरोप को गर्म रखती है विंटर्स में। लेकिन नेचुरल गैस से पहले लोग कोल पे डिपेंडेंट थे, लेकिन ये काफी पुरानी बात है। आज की डेट में पूरा यूरोप गैस पे डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं नेचुरल गैस, बल्कि बाहर से लेते हैं, जिनमें से रशिया इनका सबसे बड़ा सप्लायर है। यूरोप को चाहे विंटर्स में अपना घर गर्म करना हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो, ट्रांसपोर्ट्स, फैक्ट्रीज रन करनी हो, हर चीज के लिए नेचुरल गैस चाहिए होती है। 34% से भी ज्यादा एनर्जी गैस से आती है यूरोप में। यूरोप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गैस इंपोर्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई अगस्त के मंथ में, रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 बंद कर दी और कहा ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक सैंक्शंस हटेंगे नहीं। अब इस चीज की वजह से इनकी इकोनॉमी के साथ साथ लोगों को भी बहुत दिक्कत होने लगी। फिलहाल के लिए तो ये लोग पावर कट कर रहे हैं और जितना यूज कम हो सके उतना कम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे विंटर आ रहा है यूरोप के लिए चीजें बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। कोविड को संभालने की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ था वो तो था ही, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और महंगाई बढ़ गई। यही रीजन है कि आप देखोगे कि यूएस और यूरोप के देशों में इन्फ्लेशन हर मंथ डबल डिजिट में बढ़ने लगा है। अर्जेंटीना जो अभी वर्ल्ड कप जीता है, इन्होंने महंगाई में सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये देखिए, ये देख के कोई कहेगा कि इस पर्टिकुलर देश में 92% का इन्फ्लेशन रेट है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होता है। देखिए पूरे वर्ल्ड में ये जो सिचुएशन बनी हुई है, पिछले एक साल से जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं पैसा इंजेक्ट कर करके इसको संभालने की कोशिश कर रही हैं। और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अभी तो गवर्नमेंट फिर भी कोशिश कर रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आने वाला है 2023 में जब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। इकोनॉमिस्ट नॉरियल रूबिनी, इनको डॉक्टर डूम भी बोला जाता है, क्योंकि 2008 में जब रिसेशन आया था पूरी दुनिया में तो इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और अब इनका कहना है कि 40% तक शेयर मार्केट गिरने वाला है और इस बार का जो रिसेशन आएगा वो 2008 वाले रिसेशन से भी ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा लंबे टाइम तक होगा। लोगों की काफी नौकरियां जाएंगी। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इस विंटर में ही यूरोप के 19 देश रिसेशन में चले जाएंगे। यूएस में जो बेरोजगारी है वो हिस्टोरिक लो पे है। इतना बुरा हाल एम्प्लॉयमेंट का आपने यूएस के अंदर पहले नहीं देखा होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ये जो बेरोजगारी से निपटने के लिए जो स्टेप्स उठा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को खतरे में डाल सकता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, वैसे यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है। ब्लूमबर्ग की प्रोजेक्शन के हिसाब से 2024 तक रिसेशन रहेगा और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लगभग 33 लाख नौकरियां जाएंगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आईटी सेक्टर पे। आज की डेट में आप नोटिस करोगे जितनी भी टेक कंपनीज हैं ये ले ऑफ अनाउंस कर रही हैं। इसके पीछे कोविड बहुत ही बड़ा रीजन है। देखिए कोविड के टाइम पे जब हर तरफ दिक्कत थी तो उस टाइम पे टेक सेक्टर ने बहुत ही मुनाफा बनाया। हर कोई डिजिटली कनेक्ट कर रहा था एक दूसरे से और उस टाइम पे बहुत ही बल्क में हायरिंग करी इन टेक कंपनीज ने। हालत ये थी कि एम्प्लॉयज को डबल सैलरी ऑफर करके रखा जा रहा था डिमांड की वजह से। लेकिन जब पेंडेमिक खत्म हुआ और मार्केट में स्लो डाउन आया, उसके बाद से इन टेक कंपनीज ने जो जरूरत से ज्यादा हायरिंग करी थी उनको हटाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी ये जो ले ऑफ चल रहा है ये बेसिकली जूनियर लेवल के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनका चल रहा है और कंपनी जो ले ऑफ नहीं कर रही है उन्होंने हायरिंग बंद कर दी है। अगर आप आज की डेट में जॉब देखने जाओगे तो पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल हो रही है जॉब ढूंढने में। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करते होगे तो आपको पता होगा कि इंडिया की भी जो टेक कंपनीज हैं वो मोस्टली यूएस और यूरोप में अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करती हैं। अब जब वहां पे डाउनसाइजिंग हो रही है तो इंडिया की जो टेक कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू पे भी असर पड़ेगा और जब रेवेन्यू पे असर पड़ेगा तो फायरिंग होगी। इन सब वजह से ये जो स्टार्टअप का बूम आया था उस पे भी असर पड़ रहा है। इनकी वैल्यूएशन कम हो रही है और अपने बिजनेसेस को रीऑर्गेनाइज करने की बात कहते हुए कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी है इन्होंने, जिसका असर आने वाले टाइम में और दिखेगा। पहले जैसे फंडिंग आराम से मिल जाती थी, करंट सिनेरियो की वजह से फंडिंग में भी दिक्कत आने लगी है। जिन कंपनीज ने एक्सपेंशन करने के लिए लोन्स लिए थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उनकी भी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। नौकरी जॉब स्पीक जो हायरिंग ट्रेंड मेजर करती है, उसके डेटा के हिसाब से इंडियन टेक इंडस्ट्री में इसी एक साल में 18% तक कम हायरिंग हुई है। जनवरी 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स ने $4.6 बिलियन की जो फंडिंग थी वो बहुत ही आराम से उठा ली थी, लेकिन अभी नवंबर की बात करें तो ये घट के 73% हो गई है, यानी कि $1.1 बिलियन। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक के केस में और भी बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ऐसा पहली बार हुआ कि फेसबुक ने 11,000 लोगों को एक झटके में निकाल दिया। ये यूएस का इस साल का सबसे बड़ा ले ऑफ है। फेसबुक के 18 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी फेसबुक लॉस में नहीं गया।
ये पहली बार हुआ है इनके साथ। इन्होंने ले ऑफ तो करे ही है और इन्होंने ये भी कहा है कि अगले क्वार्टर में हायरिंग भी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कॉस्ट कटिंग भी शुरू कर दी है। फेसबुक के साथ दो चीजें हुई हैं, एक तो इन्होंने जो मेटावर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का जो अनाउंसमेंट किया था उसमें ये हद से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी जो अर्निंग्स हैं वो डे बाय डे कम होती जा रही हैं। जिस तरह से फेसबुक मेटावर्स में इन्वेस्ट कर रहा है ये चीज फेसबुक के इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जितना विश्वास मार्क जुकरबर्ग को मेटावर्स में है उनके इन्वेस्टर को उतना नहीं है, ऐसा इनके शेयर्स के प्राइस को देख के कहा जा सकता है, क्योंकि डे बाय डे इनके शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं। अगर इस पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो मेटावर्स की वजह से फेसबुक को बिलियंस में लॉस हुआ है। फेसबुक जो मेनली पैसा कमाता है वो एड से कमाता है, जैसे BMW का एड अगर कोई करवाएगा फेसबुक में तो फेसबुक जो है वो BMW वाले कस्टमर को ही वो एड दिखाएगा। ऐसे ही अगर पेंटिंग का एड होगा तो वो पेंटिंग वाले कस्टमर को ही दिखाएगा या पेंटर्स को दिखाएगा। फेसबुक ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो आपकी डिटेल्स ट्रैक करता है, लेकिन एप्पल ने अपने फोन में एक फीचर दे दिया है कि अगर आप चाहो तो अपने डेटा को ट्रैक होने से रोक सकते हो, और इसकी वजह से फेसबुक का जो एड रेवेन्यू है वो भी डाउन चला गया है। हालांकि फेसबुक का ये मानना है कि मेटा में ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लॉन्ग रन में इनको बेनिफिट करेगा। अब ये होगा कि नहीं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है फाइनेंशियल मार्केट पे नजर रखिए और अपने आप को इंश्योरेंस के थ्रू सिक्योर रखिए। डू चेक आउट डेट्टो इंश्योरेंस फ्रॉम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अ स्पैम फ्री एंड ऑनेस्ट एडवाइस।